ई से ई आई और आई ई कब आता है। हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ई से ई आई और आई ई कब आता है। ई से ई आई और आई ई दोनों लेटर आते हैं, बट कब आते हैं ये हमें नहीं मालूम है। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। जब किसी वर्ड में सी का साउंड सा होता है, जब किसी वर्ड में सी का साउंड सा होता है और सा पर ई का साउंड होता है, तो ई से ई आई लिखते हैं। मतलब किसी वर्ड में सी का साउंड सा आ रहा है, मतलब सी को हम सा से पढ़ रहे हैं और सा पे बड़ी ई की आवाज़ है, तो बड़ी ई से हम ई आई बनाते हैं। अगर सा पे बड़ी ई की आवाज़ है तो बड़ी ई से हम ई आई बनाते हैं। इस रूल का मतलब है कि अगर वर्ड में सी साउंड आएगा, अगर वर्ड में सी साउंड आएगा तभी हमें बड़ी ई से ई आई लगाना है। अगर सी साउंड आता है किसी वर्ड में तो सी साउंड से ई आई लगाना है। जैसे रिसीप्ट, डिसीट, कंसीट, सीलिंग, कंसीव, डिसीव, रिसीव, परसीव, इन सभी वर्ड्स में देखिए, सभी वर्ड्स में सी की आवाज़ आ रही है और सी की आवाज़ आ रही है तो हमने सी की आवाज़ के लिए ई आई लगाया है। सी की आवाज़ में जो ई की आवाज़ है उसके लिए हमने ई आई लगाया है। जब भी किसी भी वर्ड में अगर सी की आवाज़ आएगी तो हमें सी की आवाज़ में ई आई लगाना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर सा को छोड़कर और किसी अक्षर पर ई का साउंड आता है तो ई से आई ई लगाते हैं। मतलब अगर सा पर ई की आवाज़ आएगी तो हमें ई की आवाज़ से ई आई लगाना है, अगर और अक्षर पर ई की आवाज़ आएगी तो हमें आई ई लगाना है। जैसे बिलीव, अचीव, थीप, चीप, ग्रीप, फील्ड, ईल्ड, इन सभी वर्ड्स में बड़ी ई की आवाज़ से आई ई आया है। अगर सा पे बड़ी ई की आवाज़ आती है तो हमें बड़ी ई की आवाज़ से ई आई लगाना है, अगर सा को छोड़कर और किसी अक्षर पर ई की आवाज़ आती है तो हमें आई ई लगाना है। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि अगर सा पर ई की आवाज़ आती है तो हमें ई की आवाज़ से ई आई लगाना है और सा को छोड़कर और किसी अक्षर पर अगर ई की आवाज़ आती है तो हमें आई ई लगाना है। ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर किसी भी रूल में आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस एंड डियर स्टूडेंट, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।